जी मौजूद हैं, कमल उनके साथ, शरीफ फरमा है शिजा, उनके साथ शरीफ फरमा है रेना, उनके साथ मारिया और शांता। सबसे पहले क्या मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में एक दावत दी। मैं आपको बताती चलूँ कि जॉन डाल्टन जो कि एक संस्थान है, उन्होंने 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी के मुताबिक मादा गोल से छोटे छोटे जरा से मुंशिक है, जो कि जिन्हें एटम कहते हैं। ये थ्योरी 19वीं सदी के आखिर तक कायम रही और इसके बाद 1876 में एक संस्थान है डब्ल्यू क्रॉप, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के मुताबिक बहुत से तजर्बात किए और उन्होंने ये साबित किया कि एटम्स के अंदर छोटे ग्लास पाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और लेकिन बोहर और मोजे वगैरह ने मिलकर बहुत से तजुर्बात किए और उन्होंने ये साबित किया कि एटम बहुत से छोटे छोटे ग्लास से मिलकर बना है, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाद मिलकर ने तजुर्बा करके 1909 में ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन पर कौन से तार होते हैं। और इसके बाद एक इंसान थे लेकिन उन्होंने ये भी साबित किया, बहुत से तजुर्बात करके ये साबित किया कि एटम की साख बहुत पेचीदा होती है। शुक्रिया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शुजा से है। शुजा, आप मुझे बताइएगा कि रदर फोर्ड के जो एटॉमिक मास है उसके बारे में, मॉडल के बारे में और नजरियात और तजुर्बात जो उसने किए थे उसके बारे में थोड़ा सा उसका रोशनी डालिए। सबसे पहले इतना मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि रदर फोर्ड ने अपने मुशाहदे में बहुत ही पतला 0.00004 में एक सोने का वाट तैयार किया। और याद रहे कि हीलियम एटम के न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं और फिर इसको रेडियो एक्टिव से माहिर करके लीड की बनी हुई एक पतली सी प्लेट में महफूज राख लिए ताकि किरण की शक्ल दी जाए। और फिर उसके साइड पे एक डायरन मार्ग बहुत सी तकनी रखी और उस पर जिंक सल्फेट लगाया। रदर फोर्ड के मुशाहदे के मुताबिक ज़्यादातर अल्फा ज़रात बगैर रुके सीधे रुकावट के गुजर गए और इनमें से मिसाल के तौर पर अगर 10,000 अल्फा ज़रात में से एक ज़रा वापस आकर टकराता अब